सब मैं मारी घर में ना बोल सकूं, हैं? क्यों भाई रोक टोक है क्या बोलने पे? मैं तो चिल्लाऊंगा, हैं? खूब चिल्लाऊंगा मैं तो। किस गाने में सबका नाम आ गया पर चंपा का नाम नहीं आया। राज छोड़ो ना, मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया? मूड नहीं है? कब से देख रहा हूँ दोनों के मुंह लटके हुए हैं। लो मैडम, आ गए हम यहाँ गोल गप्पे खाने। भैया दो गोल गप्पे देना। नहीं भैया, दो नहीं, तीन प्लेट गोल गप्पे। कोमल को तो बुलाओ। मतलब ही हाँ, अब कहाँ रह गई कोमल? कोमल गोल गप्पे ना, तुम लोग खाओ, हमारा मानना है। खाएंगे तो तीनों खाएंगे, वरना गोलगप्पे कैंसिल। अच्छा ठीक है भैया, एक प्लेट मेरे को बता दो। जे हुई ना बात। भैया जब तक हमारे मुंह में पानी आता रहे, गोलगप्पे आने दो। भाई तू डरा क्यों रहा है? सारी शक्ल देखकर वो भी डर गया। सोच रहा है इस छोरे ने ऑर्डर तो दे दिया गोलगप्पे का। जे में पैसे है भी के ना? हाँ हाँ पैसे वैसे है, सब कुछ है। भैया आने दो। राम राम राम, भगवान झूठ न बुलवाए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? से राज बाबू खुले आम प्यार के पींगे बजा रहे हैं। घर वाले सोचते हैं कि ये पढ़ने जाते हैं, पर उन्हें क्या मालूम कि ये क्या करने जाते हैं। अगर ये खबर मालिक को दे दूं ना तो घर में भुचाड़ आना पक्का से। पर ये बात कुछ ही दिन पहले तो मैंने सबके पेट का पानी तो हिला चुका हूँ ना। ऐसा ना हो कि इस बार मैं खुद ही हिल जाऊं। ना ना ना, इस बार ना बोलूं। पर मारे पेट में कोई बात पचती भी तो ना से। नहीं कहूंगा तो पेट दर्द करता रहेगा। राम 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 राम, हमारे समाज में जहां इस तरह खुलेआम प्रेम करना गुनाह से, वहां गांव के सरपंच का छोरा किसी ऐसी छोरी के साथ नैन मटक्का कर रहा से जो उसकी बिरादरी की भी ना से। मुनीम जी आंखें बंद कर ले अपनी, ये सोच जैसे तूने कुछ देखा ही ना से। चल निकल ले। भैया एक बात बताना, अगर कोई गोलगप्पे खाए और पैसे ना दे तो फिर आप ये करते हो? मतलब उसे मैं यही पानी नाक के जरिए पिलाता हूँ। अच्छा अच्छा, कर तो ऐसी करना चाहिए, ऐसी करना चाहिए। हाँ ले तू खा, तू खा। मर गया राज। नहीं नहीं नहीं, बस मेरा हो गया, मैं और नहीं खाऊंगा। बस बस बस। तो शर्म करो, पूरी दुकान खरीदवाने चले थे, जेब में पैसे ना है। तो वही बात हो गई, जेब में ना है दाने और अम्मा चली बुनाने।
तू सोच ना क्या करेगी, कुछ तो आइडिया लड़ा। हाँ सोचने दो क्या करूं। कोमल सरोजनी तो खाते जा रही है। खाओ खाओ खाओ। सरोजनी तीखा तीखा नहीं लग रहा तेरे को? हाँ वो ज्यादा तीखा है भैया। कैसा तीखा बनाते हो आप? भैया बहुत तीखा है। ना 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 मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। देख आंख में से पानी भी आ गया। बहन ज्यादा हो क्या? अरे कोमल तू सरोजनी को जानती ना है, ये तो इतना तीखा खा सकती कि कमाल है। तू उसको हल्के में ना ले। ये 2x2 की है लेकिन इसमें संभावना भरपूर है। हाँ पैसे नहीं हमारे पास। क्या क्या कहा तुमने? 2x2 ना? रुको भैया, गोलगप्पे का ऑर्डर किसने दिया था? इन्होंने। तो पैसे भी यही दे। अब सरोज ने क्या, तू छोटी छोटी बात पर इतना नाराज है? सॉरी मन्ने माफ कर दे यार। किसने कहा था कि तू छोटी सी है? तुझे 3 बार जोड़ देना। ओए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते। नाम है शहंशाह। अमित जी के कंधे तक पहुंच जाएगी तू। हाँ तुम ना कंधे की बात मत करो, समझे ना। जया जी भी अमित जी के कंधे तक ही आती थी। लेकिन जब वो स्क्रीन पे दिखती थी ना तो अच्छे अच्छों के कंधे झुक जाते थे। जया जी और तू, तारी तबियत तो ठीक है ना? मेरी तबियत तो ठीक है पर सोच लो, अभी मैंने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारी तबियत का क्या होगा? जब भैया तुम्हें यही पानी नाक से पिलाएं। सरोजनी देवी शांता सब्जी बन गई जी। बच्चे लोग आते ही होंगे। अरे लो आ गए, आ गया हमारा लड़का। अरे कोमल ये क्या भाई, ना कुछ खाया ना पिया, सीधा कमरे में? अब वो क्या है ना बड़े पापा, मने भूख ना लग रही। क्यों कुछ खा के आई है क्या? मार्केट से 3 गोलगप्पे। 3 गोलगप्पे? फिर तो खाने की छुट्टी हो गई कल के। बड़े पापा एक कण मुझे तो बता दिया, पर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर अखबार वालों को पता चल गया तो छाप देंगे। गोलगप्पे वाली खबर? हॉकी खेलने वाली छोरी की खुराक तो देखो, 3 गोलगप्पे। इस मामले में ना आपको राज भाई की खुराक देखनी चाहिए। गोलगप्पे का सारा पानी चट कर गया और उसकी रेड़ी में सिर्फ गोलगप्पे ही बचे। इधर आ, इधर आ। जी दादू। ना बैठ जाए। तेरे बहुत जल्दी से है? आते रसोई में ना नमस्ते ना राम राम। दादू बात ये कि मारे पेट में दर्द हो रहा से तो सोचा पहले माँ से दवा ले लूं। ए? पेट में दर्द हो रहा से? अब जब पानी के पताशे का पानी कोल्ड ड्रिंक की तरफ पिएगा तो दर्द होगा ही ना। देखना बापू पिपरमेंट देंगे। थारे को कैसे दे रहा? वो ही दे रहे थे। देख देख ठहर, मैं थारे वास्ते देसी दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं बाबू, रण दे तू, रण दे अपनी देसी दवा। वो घर में पिपरमेंट है ना? हाँ है। वो लिया, एकदम ठीक हो जाएगा। लेके किधर दर्द हो रही तेरे? पेट में। ना वही तो कर रहा है। हैं कैसे बेरा बड़े पापा? अरे मैंने कौन से कम गोलगप्पे खाए हैं, बतेरी पानी पूरियां खाई हैं। इसने तो फिर भी पूरी छोड़ दी, हम तो पूरी भी सफा चट कर देते थे। जैसा बाप वैसा बेटा। पिज्जा खाया था, बर्गर खाया था। दादू गोलगप्पे खा लिए थे। गोलगप्पे खाए थे, दर्द तो होगी ना? ला दो डाल इसे मुंह में। देखा
आधी तो अभी निकल गई, अब तू इसे पानी दे बेटा। अरे कितना फटे कार मारे एकदम बड़ा चंगा हो जाएगा तुम। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आजकल के जवान छोकरे भी क्या पिज्जा बर्गर की औलाद लग। कोई बात हो पिज्जा खा लो, कोई बात हो बर्गर खा लो, ऊपर से वो ठंडा, पेट में तो दर्द होएगी ना। ओए हमारे जमाने में क्या खुराक होती थी, बादाम पिस्ता मक्खन दूध, आजकल तो बस। बापू आपके जमाने में तो घड़ा काम भी करते थे ना। अरे हाँ बहू, अब इतनी खुराक खाएंगे तो उसको हजम भी तो करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी क्या लस्सी पी लिया दूध पी लिया और सो गए। यो बेटा अब कैसा लग रही है? अरे दादू अभी एकदम ठीक लग रहा है। शारदा 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 लो पड़ गया पीछे, चलो ना ये सुधरेगा ना। सुना है ना तेरे का तने है बहरी हो गई है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही? चिड़ियाघर में खड़ा हुआ जानवर हूं मैं। चल अंदर, मारा सर दर्द कर रहा है, सर दबा चल के चल। क्यों कर रही है? और तू तू इसकी मां है कि यू थारी मां है? बोले ना। विजय ना भाई साहब, आप बीच में मत बोल। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानू, कैसे ठीक करना मैं जानू। चल रही है अंदर या अपने आई पे आऊं मैं? जानती है ना मुझे, अगर अपनी आई पे आ गया ना तो ऐसी डिवरी टाइट करूंगा कि जिंदगी भर याद रहे। अरे चल रही है कि दूं एक रख के। हाथ तो लगा के दिखाओ हमारी माँ को। याद रखना बाप, अगर आप हमारे बाप हैं मैं भी आप किसी में हिम्मत है तुम्हारी माँ को छू के तो दिखाए। अभी तक आपने औरत का सेवा भाव दिखाया है चंडी का ना? क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ बड़े पापा, आपने ना देखा कि बापू ने किस तरीके से मां से बात की? देखा, गलती की उसने, पर इसका मतलब ये ना है कि तू भी गलती करे।
आखिर थारा बाप है वो। अरे देख, आज तूने बहुत गलत किया। हमारे खानदान में लड़कियां कभी इतनी बेइज्जती से अपने बाप से बात ना करें। मैं मानती हूँ दादू, लेकिन आज से पहले इस घर में किसी बापू ने अपनी छोरी के सामने किसी पराई औरत का नाम ना लिया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जाके बापू से पूछ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पराई औरत का नाम लेना कोई गुनाह ना से? पर तूने जिस तरीके से अपने बाप से बात की है ना, वो एकदम गुनाह से। दादू अगर लगता है ये आपको गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा देखो, खबरदार माँ, जब आप पीछे हटी बस बहुत हो लिया। बेटा मन्ने तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। थारे बापू ने मारे से इतनी बुरी तरह से बात की, पर थारे ने भी कोई कसर ना छोड़ी। थारे को इस तरह से बात ना करनी चाहिए थी। तो फिर कैसे करनी चाहिए थी? माँ पैदा करने से कोई बाप ना बन जाता। और वैसे भी मारे सामने कोई मारी माँ की बेइज्जती करेगा तो मैं उसी की भाषा में उसको जवाब दूंगी, फिर वो चाहे मारा बापू ही क्यों ना हो। पर बेटा थारे को क्या लगता है कि थारे ऐसे बात करने से वो सुधर जाएंगे? माँ वो सुधरे या ना सुधरे मने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप पीछे ना हटोगे। अरे इस दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है उसकी शुरुआत किसी ना किसी ने तो की है, और आंदोलन तो बाद में खड़ा हुआ है जब उसके साथ लोग जुड़े हैं। मर्दों ने औरतों को अपनी पांव की जूती समझ के रखा हुआ है, जब चाह दुत्कार दिया जब चाह छोड़ दिया, औरत ना हो गई जानवर हो गई। पता नहीं बेटा अचानक उनको क्या हो गया। इतने साल हो गए हमारी शादी, मजाल है कि मैंने उनके बिना एक कदम भी रखा हो। हमेशा एक पांव पर खड़ी रहती हूँ, हर चीज उनके हाथों में दी है। उनका गुस्सा उनकी बेरुखी सब बर्दाश्त की, पर अब तो मारे हिम्मत भी जवाब दे रही से। आपकी क्या, किसी की भी हिम्मत जवाब दे देगी, इसमें आप ही की गलती है। अगर आप इतनी ना झुकती तो आज ऐसी नौबत ही ना आती। दरअसल आपकी सोच ही गलत है। आपकी क्या, दुनिया में हर दबी हुई औरत की सोच गलत है। बस सोचती है पहनने को कपड़ा मिल गया, खाने को रोटी मिल गई, रहने को घर मिल गया, पति पीटता तो है नहीं, वो जो गलत करे सब चलेगा। अब कुछ नहीं ऐसा होगा माँ, बस बहुत हो गया। क्यों भाई, औरतें इंसान ना होती, उसकी अपनी भावनाएं अपनी इच्छाएं ना होती? बस माँ अब बहुत हो लिया। आप वादा करो जब तक बापू आपसे अपने व्यवहार की माफी ना मांगते तब तक आप उनके साथ उनके कमरों में ना जाओ। वादा करो। क्या सोच रहे हो आप? सुशील, मारा छोरा होके भी पकड़ा गया, मन्ने समझ में ना आ रही हमारी कितनी उम्र थी है? किसी के कानो कान में खबर नहीं होती थी हमारे दाएं हाथ में क्या हो रहे से बाएं हाथ को मालूम नहीं होता था, समझे?
वाह बापू, आपकी तो सोच ही नहीं रही। बजाय उसे डांटने के, समझाने के, आप ये कह रहे हो कि छोरा पकड़ा क्यों? कहाँ जा रहा है भाई? बाहर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? मन्ना भरा के। वाह भाई साहब, बित्ते भर की छोरी मारे मुंह पे इतना सब कुछ बोल के चलेगी, तब तो किसी ने ना रोका उसे, हैं? किसी ने कुछ ना बोला? कैसे रोकते भाई? हाँ, कैसे रोकते? उसने जो कही एक एक बात सही थी। तू बता, तेरा चक्कर ना चल रहा है दूसरी औरत के साथ? हाँ, चल रहा है, चल रहा है। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? और फिर जानता हूँ कमी किस बात? क्यों बताओ? विजय चौटाला की बीवी है, अच्छा घर है, खाने पीने को है, नौकर है, ये चाहिए और? वाह, अरे हिसाब से एक औरत को ये सब दे दो तो वो धन्य हो जाती है। जो काम तू कर रहा है ना, कल को अगर उसने शुरू कर दिया ना तो बर्दाश्त न कर पाएगा तू। ए सुशील, ये बात करने लग गया है? वो मारे खानदान की इज्जत है, उन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं खुद उसके कान पकड़ के उसके मायके छोड़ दूंगा। बापू, मायके तो तब जाएगी ना जब मारे हाथों से बची, जान से मार दूंगा उसे। देखा कितनी मिर्ची लगी हैं? अभी तो सिर्फ कहा है, हुआ कुछ भी ना है। देखो भाई साहब, आप बेसिर पैर की तो बातें किया मत करो, समझ गया? समाज में कुछ ऐसी चीजें हुए हैं जो सिर्फ मर्द ही कर सके। अच्छा, बिल्कुल। रानियां रखना ये तो मर्दों की सांड समझी जाती है। तू ठहरा मंदिरों में घंटियां बजाने वाला, तू क्या समझेगा? बापू, घंटी तो एक दिन सबकी बजती है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम बाहर से बजाते हैं ना तो आवाज बहुत होवे, पर जब ऊपर वाला बजावे है ना चूं तकना होती है और खेल हो जावे। मैं तो ऊपर वाले को मानते, अब जिसको हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको कैसे मार ले हम? अरे बिल्कुल, हम इंसान है इंसान, हमारे सामने भगवानों की नहीं इंसानों की बात कर। अरे मारा छोरा, एक औरत से क्या मिला? तुम सब ने मिलकर आसमान सर पे उठा लिया। अरे मैं चाहे किसी हाल में रखूं, मारी पत्नी है, अगर तू मारे साथ चल रही तो ठीक, तभी थारा मारा रिलेशन रहेगा, अगर नहीं चल रही तो फिर भूल जाना कि थारा कोई पति।